नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के 22 वर्ष पुराने मामले में सोमवार को तत्कालीन डीएम आर के तिवारी गवाही के लिए विशेष मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए की अदालत में हाजिर हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर रवि अरोड़ा ने तत्कालीन डीएम से करीब 3.25 घंटे जिरह के, इस दौरान 200 से अधिक सवाल जवाब हुए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की हुई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए कोर्ट अर्जुन ने 31 अगस्त को तत्कालीन डीएम आर के तिवारी एवं वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार केदारनाथ को गवाही के लिए समन भेजे थे। आर के तिवारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। वह सोमवार सुबह करीब 11 बजे गवाही के लिए पहुंचे। उनकी गवाही दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में जिला शासकीय अधिवक्ता समेत कई अभियोजन अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अंसारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने करीब 1.5 घंटे तक जिरह की है। आखिरकार मामला क्या था जिसमें डीएम जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। मामला 28 मार्च 1999 का है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी केंद्रीय कारागार आगरा में बंद थे। तत्कालीन डीएम आर के तिवारी एसएसपी सुभेश कुमार ने फोर्स के साथ जेल में छापा मारा था। अंसारी के बैरक से बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल व सिम आदि बरामद किया गया था। उसके खिलाफ जगदीशपुरा थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर शुक्ला की ओर से मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और इस मामले में गवाही किसकी किसकी हो चुकी है वो मैं आप जान लेता हूं। वादी मुकदमा जो है तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक रूपेंद्र गौड़, जेलर कैलाश चंद्र, मुकदमा लेखक तत्कालीन हेड मुहर्रिर मुद्दत शर्मा, राजकुमार गुप्ता, मालिक कोशिका टेलुका मुशा, फोन के सिम विक्रेता और तत्कालीन डीएम आर के तिवारी शामिल थे। अब तक इस मुकदमे में 25 गवाह तत्कालीन डीएम एसएसपी सुबोध कुमार सिंह, एसएसपी सिटी डीसी मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सक्सेना, एडीएम सिटी एके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पीएन दुबे, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार केदारनाथ सिंह, जेलर कुलदीप नारायण, थानाध्यक्ष उफ निरीक्षक समेत 25 गवाह मौजूद है। और अब इस मामले में जब गवाही हो गई है तो देखना दिलचस्प होगा कि जो इस मुकदमे में सुनवाई होती है वो फैसला किधर आता है। अगर मुख्तार अंसारी के विपक्ष में आता है तो अब इसलिए मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनकी इस मामले में सजा भी हो सकती है। खैर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। धन्यवाद।